ग्वालिन घर गए जान सांझ की अंधेरी, ग्वालिन घर गए जान सांझ की अंधेरी। अच्छा कोई आवश्यक नहीं है सुबह ही जाएंगे, सुबह जाएं, शाम को जाएं, रात में जाएं, कब जाएं कुछ खबर नहीं है। अच्छा क्या होता है जैसे चोर चोरी करने जाए और सफलतापूर्वक चोरी कर ले तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, ऐसे ये आज तक जहां गए हैं चोरी करके लौटे हैं, कोई पकड़ने वाला तो इन्हें है नहीं, कोई बांधने वाला इन्हें है नहीं, जिसने पकड़ने और बांधने का प्रयास किया है वो स्वयं पकड़ा गया है, वो स्वयं बांधा गया है, तो इनका आत्मविश्वास भी देखते ही बनता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहा करते थे वही चौर्य कला के तो ये आचार्य हैं, अगर आपको चुराना सीखना हो तो कन्हैया से सीखिए। अच्छा देखो चोर कौन होता है सफल, माने जो चोरी कर ले और पकड़ में नहीं आए, पकड़ में आ जाए वो कैसा चोर है जो पकड़ में नहीं आए। इसलिए कहते हैं कि चौर्य कला के तो आचार्य हैं, पकड़ में नहीं आए, अथक परिश्रम किया, जब जब ये पकड़ में आए हैं अपनी इच्छा से पकड़ में आए हैं। जब श्री ठाकुर जी चाहे ना, हाँ भाई हम स्वीकार करते हैं बंधन, तब तो कोई इन्हें भले बांध ले, पर उसके अतिरिक्त इन्हें बांधने की और कोई युक्ति नहीं है, कोई अपने साधन से अपने परिश्रम से अपने जब तप से इनको नहीं बांध सकता है। ये अपनी इच्छा से बंधते हैं, ये अपनी इच्छा से बंधन स्वीकार करते हैं, तो ना तो कोई इन्हें आज तक बांध पाया ना कोई इन्हें आज तक पकड़ पाया, तो इनका आत्मविश्वास भी देखते ही बनता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं ग्वालन घर गए जान सांझ की अंधेरी, ग्वालन घर गए जान सांझ की अंधेरी, मंदिर में समाए श्यामल तन लख न जाए, देह गेह रूप कहो को सके निवेरी। अंधकार और वहां इनके इनके श्यामल अंग, लेकिन वो जो श्यामल अंगों की कांति है वो चहु और अंधकार में वो जो प्रभु का श्याम अंग प्रदीप्त होता है और उस पर मैया द्वारा सजाए गए आभरणों की आभूषणों की जो शोभा होती है, सूरदास जी कह रहे कौन उस शोभा का वर्णन कर सकता है। आहा सूरदास कहते हैं गोरस तन छीट रही, शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरी। बोले कहीं कहीं वो गोरस के जो छीटे पड़े हैं ना श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर, ऐसे लगता है जैसे जमुना जी की धारा में कुछ उज्जवल तारागण तैर रहे हों, ऐसी श्री ठाकुर जी की छवि है, ऐसा श्री ठाकुर जी का रूप है। ये माखन चुराते हुए माखन चोर श्री कृष्ण की छवि का वर्णन सूरदास करते हैं। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और एक बार तो श्री ठाकुर जी का एक सखा पकड़ में आ गया, कन्हैया तो पकड़ में आए नहीं, सखा पकड़ में आ गया। अब सखा की तो हुई थोड़ी पिटाई, अब सखा ने बाहर आकर कहा क्यों रे कन्हैया तेने खाई मलाई और मेरी भाई पिटाई। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अरे का हो गयो, थोड़ो पिट गयो, तो पिटे बिना भी कोई पहलवान बनेगा, पिट गई तो पहलवान बने जाए। तो एक साथ सखाओं को गोपियों को ग्वालों को गैयाओं को ब्रज के एक एक कण को सुख निधान प्रभु, सुख सागर प्रभु इस परम सुख राशि से निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं।